लॉकडाउन जैसे हालात में सरकार के द्वारा मिल रहे राशन पे ही लोग आश्रित हैं। ऐसे में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका लाल कार्ड और पीला कार्ड है, जिसको लेकर डीलरों के साथ आए दिन बकझक हो जा रही है। ऐसा ही एक मामला आज सिवान के वार्ड नंबर 37 में देखने को मिला है। जब कार्डधारी राशन लेने के लिए डीलर के पास पहुंचा, तो डीलर द्वारा कार्डधारी को मना कर दिया गया है। ऐसा बात कार्डधारी के द्वारा कहा जा रहा है। इस पूरे मामले को आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उस वार्ड के लोगों का क्या कहना है। भारत सहित पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत में पिछले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। आज 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, और जो सरकार के तरफ से राशन मिलता है तो घर का गुजारा चलता है। ऐसे में जब काम का सब कुछ ठप है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सरकार की तरफ से उनको राशन मिले। हालांकि सरकार की तरफ से राशन मुहैया भी कराया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लाल कार्ड और पीला कार्ड है, जिनको राशन देने की अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं लाई गई है और उनको राशन नहीं मिले। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका है ऐसा जो लाल कार्ड और पीला कार्ड है जिनके पास, और एक बहुत बड़े समस्या से जूझ रहे हैं। वो अगर डीलर के पास जाते हैं तो डीलर साफ तौर पर मना करता है, हालांकि डीलर कहां से देगा क्योंकि प्रावधान ही नहीं है। इसलिए हम यहां पर आज जानने के बाद आज आए हुए हैं वार्ड नंबर 37 में, और यहां पर जानने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग लाल कार्ड है जिनके पास, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लाल कार्ड है आपके पास? हाँ सर, लाल कार्ड है। आइए, कुछ दिन मिला, उसके बाद कहा लोग कि जमा करो लाल कार्ड। जमा करने के बाद वो लोग कहा कि दूसरा कार्ड बनेगा, नया कार्ड बनेगा। उसके बाद कोई भी रिलीज नहीं हुआ, ना यही लाल कार्ड मिल रहा है, ना नया कार्ड जो कहा लोग तो दिया लोग प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, वो लोग वार्ड का जो था जहाँ कहे मिलता था, डीलर वाला कहा कि जमा कीजिए और ये कार्ड जमा कीजिए और दूसरा दिया जाएगा, लेकिन तो कार्ड जमा किए नहीं, ये कार्ड जमा किया, फिर कार्ड वापस किया, नया कार्ड के लिए आप कहा लोग नया कार्ड मिलेगा, लेकिन नया कार्ड न दे करके इस पर बंद हो गया। काम करते हैं मजदूरी, हाँ नहीं सर, मजदूरी का काम करते हैं नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास लाल कार्ड और पीला कार्ड है, जिसके कारण इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, और ये लोग मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के साथ आ गई है कि लाल कार्ड और पीला कार्ड पर राशन मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं भूखे रहने पे ये लोग मजबूर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन लोगों के पास लाल कार्ड और पीला कार्ड है, उन लोगों की भी सरकार सुने और इनके लिए भी कोई नया प्रावधान लेकर आए इस लॉकडाउन में, ताकि इनका भी घर चल सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें ये है कि ये जो कार्ड देख रहे हैं, लाल कार्ड और पीला कार्ड जब बंद कर दिया गया था, उसके बाद ये कार्ड जारी किया गया था सरकार की तरफ से, और अभी इसी कार्ड पे राशन मिलता है, लेकिन इनकी शिकायतें ये है कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड इशू तो कर दिए गए हैं, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना डीलर की तरफ से नहीं मिलता है। हम खुद इनसे जानना चाहेंगे कितना मिलना चाहिए था आपको? 40 किलो। इस कार्ड पर 30, 40 किलो? हाँ, 30 किलो मिलेगा। 30 किलो क्या? हाँ, आपको 20 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ। गेहूँ और चावल मिला, दोनों मिला, 30 किलो मिलना चाहिए था, 30 किलो मिला। हाँ, 30 किलो मिलता। हाँ, आज 10 बजे बुलाई थी, नहीं पैसा। आज भी आपको बुलाया? हाँ। ये आज कितना बजे बुलाया गया था? 10 बजे। 10 बजे बुलाया गया। हाँ, हाँ, भगा दिया के नहीं। देखिए, ये जो डीलर हैं, आज सुबह 10:30 बजे इनको बुलाए थे, लेकिन जब ये पहुँची हैं तो इनको राशन नहीं मिला, ऐसी इनकी शिकायत है। और शिकायत ये भी है कि जहां इनको 40 किलो राशन मिलना चाहिए था, वहां सिर्फ 30 किलो, तो बाकी के 10 किलो कटौती अगर डीलर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े जो भी वरीय अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि इस मामले को संज्ञान में ले और जांच करें, और डीलरों को चाहिए कि कम से कम ऐसी परिस्थिति में जब लॉकडाउन जैसे हालात है देश में, तो इस तरह के कोई भी काम ना करें, और जितना राशन जिसको बनता है उतना उसको राशन मुहैया करें। बताइए आप। हमको 60 किलो मिला है।
हमको 60 किलो मिला है, हम गए हैं 8 बजे तो हमको 60 किलो मिला है, हमको मिलना चाहिए 80 किलो। 80 किलो जी, 8 उनूठ है। बाकी का 20 किलो जब आप डीलर से पूछती हैं, हाँ, कि 20 किलो नहीं मिला तो क्या फायदा है? तो हमको नहीं मिला, हमको 60 किलो मिला। आप ये बात डीलर से नहीं कहती हैं कि 80 किलो? हम बोला है जी, हम बोला है तो 80 किलो 60 किलो मिला है। 60 किलो हाँ। क्या शिकायत है आपकी? जी हमारा राशन नहीं मिलता है, हम कई बार राशन खाते रहते हैं सर, राशन नहीं मिलता है मेरे को। जी कहते हैं लोग के लाल कार्ड बनेगा, लाल कार्ड बनेगा, फिर लाल कार्ड बन के लाल कार्ड पे राशन बंद है। लाल कार्ड और पीला कार्ड पे आपको राशन नहीं मिलेगा। जो कार्ड अप्लाई करना था राशन के लिए, आप अप्लाई किए थे कार्ड? जी अप्लाई किए थे। वो कार्ड अभी नहीं बना? नहीं, वो कार्ड नहीं बना है। क्या कुछ कहा जा रहा है वार्ड कमिश्नर के द्वारा? वार्ड कमिश्नर से द्वारा कहा जाता है कि लाल कार्ड नहीं बना, अभी नहीं आया है। वो हमेशा हमेशा यही कहते हैं कि हम नहीं आया है, राशन नहीं मिलता है हमको। देखिए आप एक लंबी कतार है ऐसी लोग जिनके पास लाल। जी सर, हम जब भी जाते हैं तो हमको 20 किलो मिलता है, 30 किलो मिलना चाहिए हमको, लेकिन 20 किलो हमको मिलता है ना। दिनेश कुमार डीलर है मेरे, है ना, यहीं बियर बार में मिलता है हम लोगों का चावल। हाँ, यहाँ बियर बार तरवारा मोड़ के इधर है, थोड़ा सा इधर आइएगा, पी देवी के पास, वहीं पे है, उन्हीं के पास, अजय चौधरी नाम है उनका। हाँ, वही देते हैं हम लोगों को। हम सर कंप्लेन करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। अभी देखिए 37 नंबर वार्ड में पप्पू भैया सब किसी को लेकर थाना में गए थे, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को सवाल गरीब आदमी का कोई सुना नहीं है, है ना, भगा दिया गया है वहाँ से भी, वहाँ से भी रिटर्न आए। लेकिन मेरे पप्पू भैया ऐसे आदमी अपने पास से जो होता है वो गरीबों लोग का दान करते हैं, देते हैं, मजबूरी समझते हैं। आज ये मजबूरी समझ कर वो गए थे उनके डीलर के पास बात करने के लिए, लेकिन मेरे पप्पू भैया का बहुत उल्टा सीधा वो बोल दिया है, है ना। अभी सुबह से मेरे पप्पू भैया नाश्ता भी नहीं किया, इसी के फिराक में लगे हैं कि गरीब को मिले। हम लोग भूखे मर रहे हैं तो इनके पास आकर कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐसा बात है, तो ये उठ रहे हैं तो जितना अपने से बन सकता है ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कुछ मिलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन मिल नहीं रहा है। चूँकि सुबह में करीब 8 बजे करीब में कुछ मोहल्ले के वार्ड के मेरे औरतें और मर्द लोग गए थे अपना अपना राशन कार्ड लेके कि भाई हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग को अनाज दीजिए, हमारे वहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो उसको ये बोलकर रह कि भागो तुम लोग के यहाँ अनाज नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोग का कोई लिस्ट हमारे वहाँ नहीं है। तो वो लोग सभी लोग मेरे वहाँ दरवाजे पे आए, हमको उल्टा सीधा बोलने लगे लोग कि आप कौन सी के नेता हैं कि आपके माध्यम से हम लोग को अनाज नहीं मिल रहा है, भूखा रह रहे हैं, हमारे वहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है। तो हम अब मेरी वाइफ हम लोग दोनों आदमी गए डीलर के पास, रामावतार प्रसाद जो डीलर हैं सराय मोड़ पे उनके पास गए। तो उनसे हम लोग की बात हुई तो हम लोग बोले कि भाई देखिए गरीब आदमी है, कम से कम इनको कुछ भी तो अनाज दे दीजिए कि थोड़ा ये लोग खाए पकाए। तो बोल रहा है कि भागोगे यहाँ से कि नेतागिरी करने आई हो तुम मेरी पत्नी से साथ, और सब बात मैंने बहुत गंदा गंदा लफ्ज बोला लोग। उसके बाद मैं जब बोला तो वो लोग सब हाथ उठाने के लिए पड़ गए। उसके बाद हमारी पत्नी हमको घींच के लेके चली आई कि चले जा, तो हम लोग चले आए वहाँ से। यही बात हमने उसकी लिखित शिकायत थाने में, हाँ, लिख आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग टाउन थाना में भी गए थे, इंस्पेक्टर साहब से तो खैर हम लोग की मुलाकात नहीं हुई, वहाँ मुंशी थे, हमारी वाइफ गई थी आवेदन लेकर, मुंशी जी ने नहीं लिया, बोला कि नहीं आप लोग सराय थाना जाइए। सराय थाना में गई हमारी वाइफ जो 1.5 घंटा बैठी रह गई, उन्होंने बारा बाबू कहा कि नहीं आपकी आवेदन नहीं ली जाएगी, आप लोग चले जाइए यहाँ से। पूछा नहीं क्यों नहीं लेंगे? चूँकि मेरी वाइफ कम बोलती हैं, उनको समझ में नहीं आया जिस डांट कर भगा दिए, जबकि उनको बताया गया कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 37 की, ये आवेदन देने आई हैं, एक और उनके साथ लड़का गया था, तो वो भी कहे कि कोई बात नहीं है आप लोग आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि मेरी आवेदन लिया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई हो, जो सही जांच करा कर।